नमस्कार। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत कंपनी लॉ पेपर के अंतर्गत कंपनी की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, नेचर ऑफ कंपनी। सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनी से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संघ या संगठन से है जो किन्हीं सामाजिक आर्थिक या सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से बनाया गया है। ऐसा संघ एवं संगठन साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय समिति, सहकारी समिति अथवा श्रम संघ के रूप में हो सकता है, किंतु कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम या विधान के अधीन समामेलित है। व्यावसायिक जगत में कुछ ऐसे व्यावसायिक संगठन पाए जाते हैं जो अपने आप का कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीयन कराए बिना ही अपने नाम के साथ कंपनी शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कि राम एंड कंपनी या श्याम एंड कंपनी आदि। किंतु ऐसे सभी संगठनों को तकनीकी एवं वैधानिक रूप से कंपनी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि कंपनी विधान के अनुसार उनका समामेलन नहीं करा लिया जाता है। तकनीकी एवं वैधानिक रूप से किसी भी संगठन को कंपनी तभी कहा जा सकता है यदि उसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 या पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत हुआ है। बात करें हम कंपनी अधिनियम की परिभाषा एवं इसके अर्थ के बारे में, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत समामेलन हुआ है। इस प्रकार यह है, अधिनियम किसी भी संघ संगठन अथवा कंपनी को तभी कंपनी के रूप में मान्यता देता है जबकि उसका समामेलन इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम कंपनी विधान के अधीन हो गया हो। किंतु ये जो परिभाषा है कंपनी की अवधारणा एवं प्रकृति की ओर से कोई संकेत नहीं देती है। अतः कंपनी की जो अवधारणा है और एवं इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें कुछ जो विद्वान हैं उनकी कुछ अन्य परिभाषाओं का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी विधिवेत्ता तथा मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कंपनी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कंपनी अदृश्य अमूर्त होने के कारण एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। विधान द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं होती है जो इसको जन्म देने वाला अधिकार पत्र चार्टर इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करता है अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए सहायक होता है। हेने ने कंपनी को परिभाषित करते हुए बताया कि कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार मुद्रा होती है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अधीन समामेलित है। कानून की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह अदृश्य एवं अमूर्त व्यक्ति है जिसका इसके निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त
इसकी पूंजी अंतरण योग अंशों में विभक्त होती है तथा अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। कंपनी के सदस्य अथवा सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित ही होता है। ये दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य में से अद्यत रही राशि तक सीमित होता है। कंपनी का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर चयनित संचालकों के माध्यम से होता है। कंपनी का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार उसका विघटन नहीं किया जाता है। साथ ही यह बता देना भी उपयुक्त रहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के नवीन जो प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों को व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है कि अब एक व्यक्ति कंपनी भी सम्मिलित करवाई जा सकती है। तो आज के लेसन में कंपनी की प्रकृति के बारे में और हमने कंपनी की परिभाषा और इसके अर्थ के बारे में विस्तारपूर्वक जाना। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।